अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों, आज मैं आपके लिए मुगलज नुस्खा लेके आया हूँ जो मर्दों और औरतों में यकसा मुफीद है और हर बीमारी का इलाज है। जिन भाइयों के पास औलाद नहीं है, औलाद से महरूम है, उन भाइयों के लिए ये नुस्खा लेकर आया हूँ। आप वीडियो एंड तक देखें और सुनें और नोट कर लें, कापी पेंसिल उठा लें, नुस्खा नोट कर लें और इसे इस्तेमाल करें। ये नुस्खा अकेले भाइयों के लिए नहीं बल्कि जिन बहनों के पास भी औलाद नहीं है तो आप परेशान ना हो, ये नुस्खा आपके लिए भी है। कॉपी पेंसिल उठाएं और नोट करें। जो बहन भाई 20-25 साल से औलाद से महरूम हैं, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी, फ़ायदे हासिल करेंगे। इस नुस्खा से लकोरिया, जरियान, टाइमिंग, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का खिंचाव, जरासीम का मसला, ज़्यादातर औरतों में ये मसला पाया जाता है, इंशाल्लाह हर बीमारी का इलाज है और ठीक हो जाएगा। पहले आपको मैं बनाने का तरीका बता दूं। आपने हर दवाई को, हर मेडिसन जड़ी बूटी को अलग-अलग अलग-अलग पीसना है, पीस कर छान कर बाद में इकट्ठा कर लेना है और आधा चम्मच गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। ये नुस्खा आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ। आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे नुस्खे आपके पास आते रहें। नुस्खा नोट कर लें और कॉपी पेंसिल हाथ में पकड़ लें। पहले नंबर पर मैं लेके आया हूँ मुशक। मुशक 2 ग्राम आपने लेनी है, 2 तोले सालम पंजा आपने लेना है, 2 तोले बामण सुरख आपने लेना है, 2 तोले सतारू लेना है, 2 तोले लाजवंती लेना है, 3 तोले सुरख मूसली, 2 तोले सालम मिश्री, 5 तोले गूंद कतीरा, 2 तोले छोटी इलाची खुर्द, 2 तोले बफली बूटी, 2 तोले संगाड़े, 2 तोले तज, 5 तोले अक्करकरा, 2 तोले काली मिर्च, 1 पाव मगज पिस्ता, 1 पाव मगज अखरोट, बामन सफ़ेद 2 तोले, ताल मखाना 2 तोले, छिलका इंडियन प्योर 1 नंबर लेना है आपने 5 तोले, सफ़ेद मूसली इंडियन 5 तोले, समंदर सौख 2 तोले, तुखम उटंगन 2 तोले, गोंद कीकर 5 तोले, तवा शीर 2 तोले, बी दाना 2 तोले, कमर कस 2 तोले, मस्तगी रूमी 2 तोले, लसूड़ियाँ 2 तोले, मगज बादाम 1 पाव, मगज काजू 1 पाव, चारों मगज 1 पाव। आपने इस मेडिसन जड़ी बूटी को अच्छी तरह कूट के पीस के अलग अलग दवाई को कूट छान लेना है और बाद में मिक्स करना है और आधा चम्मच गर्म दूध के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करना है। औरतों के लिए, मर्दों के लिए यकसा मुफीद है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे करेगा और औलाद के लिए, आपके जरासीम पैदा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये नुस्खा। हकीम जो हैं आपसे ये नुस्खा छुपाते हैं, हम आपके लिए ये नुस्खा लेकर आएंगे और आपको अच्छे अच्छे नुस्खे बताते रहेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखा करें और इसे लाइक भी किया करें।